आगामी महिला एशिया कप 2022 का आगाज 1 अक्टूबर से बांग्लादेश में होने जा रहा है। T20 महिला एशिया कप 2022 में 7 टीमें यानी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, UAE, मलेशिया और थाईलैंड कुल 24 मैचों में भाग लेंगी और फाइनल मुकाबला 16 अक्टूबर के दिन खेला जाएगा। मेजबान देश बांग्लादेश और थाईलैंड के बीच 1 अक्टूबर को महिला एशिया कप 2022 का पहला मैच खेला जाएगा, जबकि भारत उसी दिन श्रीलंका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इस टूर्नामेंट के सभी मैच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और सिलहट आउटर क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। अगर इसके लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं और वहीं OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपको इसके सभी मैच देखने को मिल जाएंगे। भारतीय टीम की अगर बात करें तो भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ इस टूर्नामेंट में उतरेगी, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि 7 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले पर सबकी नज़र होने वाली है, क्योंकि उस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होगी। अब चाहे वो पुरुष की टीम हो या फिर महिला की टीम, सभी भारतीयों की नज़र जीत पर ही होती है, क्योंकि पाकिस्तान से जब भी मुकाबला होता है तो जीत से कम कोई भी भारतीय नहीं चाहता। और वैसे भी जिस तरीके से पुरुष टीम पाकिस्तान से सुपर 4 में एशिया कप 2022 में हारी थी, महिला क्रिकेट टीम को उसका बदला ज़रूर लेना है। अब ये देखने वाली बात होती है कि किस तरीके का प्रदर्शन महिला क्रिकेट टीम इस एशिया कप में दोहराती है। हालांकि अगर रिकॉर्ड की बात करें तो महिला क्रिकेट टीम हर बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि ये वाला एशिया कप भारतीय टीम के लिए शानदार होने जा रहा है।